हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेडीमेड बटन, जिसे बनाना बहुत इजी है। इस बटन को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बॉटल, कॉटन और सुई धागा। ये देखिए, ये बटन कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। साइज़ आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, जो भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम बॉटल लेंगे और इसी बॉटल का मैंने यहाँ पर ढक्कन लिया है। अब हम इसमें राउंड शेप करेंगे। छोटा साइज का बनाना है तो आपने छोटे साइज का ही ढक्कन लेना है और इस तरीके से राउंड बना लेंगे। ये देखिए, पहले आप बॉटल को काट कर उसके बाद आप राउंड बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये कट कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है। हमने राउंड शेप दी। अब आप इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और ये कट हो जाएगा। शेप थोड़ी छोटी बड़ी या कुछ ऐसे हो तो आप इसको शेप देने के लिए थोड़ा सा कट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लेंगे कॉटन। अगर आप इसमें ज़्यादा कॉटन लेते हैं तो उभरा हुआ बटन बनेगा, और कम कॉटन लेंगे तो इस तरीके से आप बटन को बनाएंगे। दोनों ही बटन बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बटन को बना सकते हैं। जिस भी कपड़े से आपने बटन बनाना है वो कपड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से राउंड में घुमाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसको सिलना है। ये देखिए, धागे को डबल ले सकते हैं या फिर आप सिंगल ले सकते हैं। एक स्टिच लगाकर आपने धागे को इस तरीके से राउंड में घुमाना है, टाइट करना है इसको आपने। अब हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, डबल नॉट लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बटन बनकर हमारा रेडी हो गया। धागे को अभी हमने कट नहीं किया है। अब जिस भी आपने कुर्ती पर लगाना है, ब्लाउज़ पे लगाना है, जिस पर भी आपने लगाना है, आपने उसको इस तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए, पहले नीचे से कपड़ा लेंगे थोड़ा सा, फिर बटन में से लेंगे। ये देखिए, राउंड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे से लेंगे और थोड़ा कपड़ा हम बटन का लेंगे और इसे हम सिलते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बटन को आसानी से लगा सकते हैं। अब नीचे ले जाकर इसे हम पक्का कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बटन को लगा सकते हैं और आसानी से बटन को बना भी सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी वाला बटन। इसको बनाने के लिए अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी का कोई भी पीस बचा हुआ तो आप इसमें से इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास जैसे सूट कट हो जाता है और साइड में से एम्ब्रॉयडरी होती है तो उसमें से कुछ पीस बचा हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, कॉटन लेंगे, आपने इसको इस तरीके से रखना है। ये देखिए, अगर आपने उभरा हुआ बटन बनाना है तो इसके बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा कॉटन रखेंगे और आपने उसको, ये देखिए, जो भी एम्ब्रॉयडरी है आपकी, आपने उसको इस तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिए, इसे अब हमने सेट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। एक स्टिच हम पहले करेंगे और उसके बाद धागे को आप इसमें घुमा सकते हैं। टाइट आपने धागे को घुमाना है ताकि ये खुले ना। ये देखिए, अब इसे हम पक्का कर लेंगे।
बहुत ही इजी है इसको बनाना और वॉश करने पर ये ख़राब भी नहीं होता। और तब आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये रेडीमेड बटन के जैसा ही बना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये बटन दिखाई दे रहा है। आप इस तरीके से भी बटन को बना सकते हैं और इसे लगाने का तरीका सेम है। ये देखिए छोटा छोटा कच्चा करेंगे, कच्चा करते हुए इसे राउंड में इसी तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यह आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरीके से आप बटन को घर में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही छोटे बटन को बनाएंगे और इसको लगा लेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।